फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें तीन तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो अल्फाबेटिक टेबल टेस्ट, दूसरा न्यूमेरिक टेबल टेस्ट और तीसरा वॉच टेबल टेस्ट, या वॉच टेस्ट या क्लॉक टेस्ट या घड़ी टेस्ट। और तीनों तरह के टेस्टों में से कोई भी एक तरह का टेस्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनको सोल्व करने के लिए आपको एक राइट साइड में इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी, डायरेक्शन दी हुई होंगी हर एक क्वेश्चन के लिए। इस डायरेक्शन को पढ़ के ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, और लेफ्ट साइड में एक टेबल दी होगी या वॉच दी होगी, उसको देख देख के इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज उसमें फिर टाइम लगेगा। चलिए हम लोग देखें। पहले स्तंभ पांच के विकर्ण के अंतिम अक्षर के बगल के अक्षर, स्तंभ पांच का है ये, है हमारा स्तंभ पांच के विकर्ण। अब देखिए, यहां पर इसने बोला नहीं है कि भैया विकर्ण कौन से अक्षर का निकालना है, या नीचे से निकालना है या ऊपर के अक्षर से निकालना है। जस्ट इसने कहा है स्तंभ पांच, तो इस केस में आपको इसके पहले अक्षर का ही विकर्ण आपको निकालना होगा। तो ये हम इसके विकर्ण के लिए आ गए। के बगल के अक्षर, अब इसके बगल के अक्षर पे आ जाइए, ये इसका बगल का अक्षर हो गया। के सबसे ऊपर के, इसके सबसे ऊपर आ जाइए, यहां पर आ गया। के दाएं अंतिम अक्षर, अब इसका दाहिनी तरफ इधर हो रहा है दाया, तो इसका अंतिम अक्षर आ गया हमारा वापिस से ये डी, जहां से हमने शुरू किया था। के विकर्ण का अंतिम अक्षर क्या होगा, अब इस डी का विकर्ण का अंतिम अक्षर क्या बन गया, वापस से आ जाइए, वही विकर्ण निकल गया। तो आपका जो बी है ये आपका यहाँ पर सही आंसर निकल के आ गया। समझ गए, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, पंक्ति ध्यान से पढ़िएगा, पंक्ति एक दो तीन को उल्टे क्रम में रखते हुए पंक्ति चार और पंक्ति पांच को एक दूसरे से एक्सचेंज करने पर स्तंभ पांच के सबसे नीचे के अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अब इस केस में हमें इनको अदला बदली नहीं करना, अभी हमें सीधा का सीधा स्तंभ पांच पे आना है और उसके सबसे नीचे के अक्षर के ऊपर आना है। सबसे नीचे का अक्षर हो गया हमारा ई। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस जो ई है इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहां ई की जगह कुछ भी हो सकता है, आप तो सीधा पहले इसका विकर्ण खींचिए, क्योंकि अक्षर नीचे चेंज हो सकते हैं लेकिन विकर्ण का रास्ता यही रहने वाला है। अब इसका दूसरा अक्षर कौन सा होने वाला है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी कि यहां जो अक्षर आने वाला है वो आपका आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, हमें पंक्ति चार और पांच को तो छेड़ना ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं हमें यहां इसको एक्सचेंज करने की। अब आ जाओ सीधे के सीधे पंक्ति तीन के अंदर, क्योंकि दूसरा अक्षर तीन पंक्ति तीन में से मिल रहा है हमें। अब पंक्ति तीन को अगर हम एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, उल्टा क्रम में करते हैं, उल्टे क्रम के लिए बोल रहा है ये, उल्टे क्रम में करते हैं, तो कोई क्या बीच वाले अक्षर में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर यहां पर सी हो जाएगा। अगर आप इसको एक्सचेंज करके भी देखें, पलट के भी देखें, तो ए इधर आ जाएगा, डी इधर चला जाएगा, ई इधर आ जाएगा, सी इधर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा बीच के ऊपर, तो इसलिए आपका आंसर बीच में से सी हो गया है। समझ गए, अगला देखिए। स्तंभ एक से लेकर स्तंभ पांच में किस स्तंभ में दो युग्म अक्षर नहीं है, उस स्तंभ में दो समान अक्षर कौन से हैं। अब हमें युग्म अक्षर देखने की किसमें नहीं है, आप देखिए एक युग्म यहां है और एक युग्म यहां है, दो दो युग्म होने चाहिए। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर युग्म है, यहां भी है। ठीक है, अगले में देखिए, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, तो यहां पर भी नहीं है। आगे देखिए, ई यहां हो गया और सी यहां हो गया, यहां पर भी नहीं है। उससे आगे देखिए, यहां देखिए दो डी आ रहे हैं लेकिन बाकी सब सिंगल सिंगल हैं। तो उन उस स्तंभ में दो समान अक्षर कौन से हैं, तो ये समान अक्षर क्या है इस स्तंभ में, डी, किस स्तंभ के अंदर, पांच नंबर के अंदर। तो आपका सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पूरी तालिका में सबसे कम बार कौन सा अक्षर आया है। अब देखिए, पूरी तालिका में एक एक अक्षर को पूरा पूरा गिनोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब हमें क्या करना है, सबसे कम बार कौन सा आया है उसको हम देखते चले जाएंगे। और इसमें पांच ही अक्षर होते हैं जैसा हम पढ़ते हुए आए। अब देखिए, सबसे पहले एक को देख लेते, एक को देख लेते हैं, एक और ए दो, हमें दो ही ए दिखाई दे रहे हैं, बाकी दो ए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हमें कोई सिंगल दिखाई दे अक्षर, तो वही अक्षर हमें यहां लेना है आंसर पे,
अदरवाइज फिर हमारा आंसर ए रहने वाला है। अब बी पे आ जाइए, बी एक दो तीन, तो बी भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। सी पे आ जाइए, सी एक दो तीन, हमें आगे गिनने की जरूरत नहीं है, सी भी नहीं हो रहा है हमारा आंसर। डी पे आ जाइए, एक दो तीन, तो डी भी हमें नहीं जाना है आगे। ई पे आ जाइए, एक दो तीन, तो इस तरह से हमने देखा कि दो से ज्यादा ये सभी अक्षर यहां पर, सिर्फ ए एक ऐसा है जो कि सिर्फ दो बार यूज हुआ, सबसे कम है, तो इसीलिए आपका सही आंसर यहां पर ए हो गया है। आगे बढ़िए, अगले पे आ जाइए, देखिए पांच नंबर, पांच नंबर में देखेंगे तो स्तंभ एक में उन दो जोड़ों के अलावा, क्या बोल रहा है, स्तंभ एक में उन दो जोड़ों के अलावा जो अक्षर मिलता है वह अक्षर किस पंक्ति में है। तो दो जोड़े हो गए आपके एक और ये दो, इसके अलावा जो आपका ए के बारे में बात करा, ए आपकी पंक्ति नंबर एक में आ गया। उस पंक्ति में कौन सा अक्षर युग्म है, इस पंक्ति में कौन सा अक्षर युग्म है, बी, बी युग्म है। तो दूसरे बी के सबसे नीचे कौन सा अक्षर होगा, ये पहला बी हो गया, ये दूसरा बी हो गया, इसके सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको सी आंसर मिल जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छह नंबर को देखते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहां पर स्तंभ एक से नीचे की ओर बढ़ते हुए अंतिम अक्षर बी पर पहुंचे, हम यहां बी पे आ गए, बढ़ गए, ठीक है। इस उस अक्षर के बगल के अक्षर से होते हुए ऊपर के अक्षर पर पहुंच जाइए, यहां से बगल हुए हम ऊपर यहां पर भी आ गए, ऐसे होते हुए पहले ऐसे हो रहे थे, ठीक है, आगे अंतिम अक्षर पर पहुंचने पर उसके दाएं अक्षर से नीचे की ओर बढ़ते हुए क्रम जारी रखते हुए ई पर पहुंच जाएं। अब हमें यहां पहुंचना है, स्तंभ पांच के ई के ऊपर पहुंचना है, ठीक है। अब उस अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, कौन से अक्षर का, ई के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो इसका विकर्ण के लिए आपका यहां से रास्ता जा रहा है और ए पर पहुंच रहा है, और ए इसका अंतिम अक्षर है, लास्ट अक्षर है, तो आपका आंसर यहां पर ए हो गया है। सातवां क्वेश्चन देखिए, पंक्ति पांच के दाएं से अंतिम अक्षर के विकर्ण, पंक्ति पांच का है ये और दाएं से अंतिम अक्षर कौन सा बन रहा है, यहां ई, ठीक है, के विकर्ण के अंतिम अक्षर से होते हुए इसका विकर्ण हो गया यहां, ठीक है, से होते हुए नीचे अंतिम अक्षर पर पहुंचे और इस तरह से त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, ये हम पहुंच गए, त्रिभुज बना दिया हमने, ठीक है। त्रिभुज के मार्ग में दो न्यूनतम अक्षर आते हैं, न्यूनतम अक्षर कौन से होने चाहिए, ए बी या ए सी, मतलब सबसे छोटे अक्षर होने चाहिए दो, उनके बीच का अक्षर कौन सा होगा। तब यहां से देखना स्टार्ट कीजिए, हमारे पास ए यहां पर आ रहा है, अब उससे आगे बढ़ेंगे तो बी हमारे पास में यहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डी, तो इन डी में से आपका कोई सा भी आप डी को चूज कर लीजिए, क्योंकि डी ही आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि यही इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंक्ति पांच के सामने चौथे अक्षर के इर्द गिर्द बी है, तो उस अक्षर के ऊपर चौथे अक्षर के बगल कौन सा अक्षर होगा, पंक्ति पांच के सामने चौथा अक्षर कौन सा हो गया ये, अब इसके अगल बगल, अगल और बगल बी है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो हुई नहीं, यदि ऐसा नहीं है तो उस अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के विकर्ण, इसके बाएं तीसरे अक्षर कौन सा, पहला दूसरा तीसरा यहां आ गए, के विकर्ण का अंतिम अक्षर, ये विकर्ण खींच दिया हमने यहां तक, के अंतिम अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा, इस ये अंतिम अक्षर हो गया, इसके तुरंत नीचे आपका बी आंसर हो गया, तो आपका सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा अक्षर है जो पूरी तालिका में आठ बार आता है, अब ये तो गिनना पड़ेगा, लेकिन हमें पांचों को गिनने की जरूरत है नहीं, अभी देखिए पंक्ति तीन में उस अक्षर के दाएं चौथा अक्षर पर पहुंचे, यानी कि हमें पंक्ति तीन को देखना है, अब पंक्ति तीन में कौन कौन से अक्षर यूज में आए हैं उनको ही सिर्फ हमें गिनना है, जैसे डी आया है, सी आया है, ई आया है, ए आया है, तो ए हम पहले से गिन चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में आया था कुछ में कि दो बार ही ए यूज हुआ है,
अब आ जाइए बी को, तो बी है नहीं, तो फिर हम सी को गिनते हैं, तो सी देखिए 1 2 3 4 5 पांच बार सी आया है। अब हम आ जाते हैं डी के पास में, तो डी को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि हमारा डी हमें मिल गया यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ना है, उस अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण, पहले तो हमें यह गिनना है, यह डी मिल गया हमें। अब इस डी के दाएं चौथा अक्षर, तो इसके दाएं चौथा अक्षर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका चौथा अक्षर डी के दाएं, से है से नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पर पहुंचे, उस अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण, तो इस अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण आपका ऐसे बन के आ रहा है का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, पहला दूसरा अक्षर, यानी आपका सही आंसर सी निकल के आया है, ये वाला, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आते इसमें। पंक्ति 1 से लेकर पंक्ति 5 तक किस पंक्ति में कौन सा अक्षर 2 से अधिक बार आया, हमें पंक्तियों में गिनना है, इनमें 1 से लेकर 5 तक 2 से अधिक बार कौन सी में आ रहा है, पहले तो हमें ये पकड़ना है। अब देखिए यहां पर 2 से अधिक बार कोई नहीं है, यहां पर भी कोई नहीं है, यहां पर भी 2 ही कोई भी नहीं है, यहां देखिए ये डी 3 बार आया, उन अक्षरों के बीच के अक्षर के सबसे ऊपर का अक्षर कौन सा होगा, तो डी 2 बार नहीं 3 बार इसमें आया है। अब डी 2 डी के बीच में आ रहा है बी, अब बी के सबसे ऊपर का अक्षर आपका बी ही आंसर हो गया, तो इसलिए आपका सही आंसर बी हो गया। तो इस तरह से आपका ये 10 क्वेश्चन सोल्व हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिएगा अलग अलग टेस्टों के अंदर। थैंक यू।